राजधानी शिमला से 166 किलोमीटर दूर किन्नौर जिला के प्रथम गांव चौरा के समीप प्राकृतिक छोटा सुरंग इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना है। पर्यटक यहां पहुंचते ही पहाड़ी संस्कृति, रीति रिवाज, किन्नौरी परिधान, आभूषणों और खानपान से रूबरू हो रहे हैं। वैसे भी इस स्थान को लाल सिंह चड्ढा फिल्म से लेकर हाईवे मूवी में फिल्माया गया है। इस स्थान के महत्व को समझते हुए चौरा गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने न केवल फूड स्टॉल लगाकर स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों को परोसना शुरू किया है, बल्कि जनजातीय जिला किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, परिधान एवं आभूषणों की भी बारीकी से पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इस सौहार्दपूर्ण सहयोग और दर्शन से पर्यटक उत्साहित है और इस प्रयास के कायल भी हुए हैं। गुजरात से आए पर्यटक ने बताया कि वे बाइक पर स्पीति वैली की ट्रिप पर निकले हैं। जैसे ही उन्होंने किन्नौर जिला के पहले गांव चौरा में प्रवेश किया तो देखा कि महिलाएं एक स्टॉल लगाकर बैठी हैं और वे टूरिस्ट को अपनी संस्कृति से अवगत करवा रही है, जिससे उन्हें यहां की संस्कृति को नजदीक से जानने का मौका मिला। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं सूरत गुजरात से हूं और अभी मैं अपने स्पीति की ट्रिप करके वापस आ रहा था। बाइक राइड पे था मैं स्पीति के लिए और मैं अभी यहाँ पे एक जगह है चौरा और यहाँ पे मैं रुका था। एक लेडी लोग यहाँ पे एक स्टॉल चला रही हैं तो मुझे इनके बारे में कुछ पता चला और यहाँ पे लोकल फूड, चाय और ये लोकल ट्रेडिशनल कुछ इनके कल्चर के बारे में ऐसे पता चल रहा है तो इसे देखने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया था। ये तो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतर काम है लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवाने का और हमारी संस्कृति कैसी है ये दूसरे लोग भी जान पाए ये बताने का एक बहुत बेहतर तरीका लगा मुझे तो। वहीं एक अन्य पर्यटक ने बताया कि टूरिस्ट यहां पर अक्सर रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। उन्हें यहां एक स्टॉल दिखा जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं चला रही हैं। वे यहां लोकल पकवान बनाती हैं और स्थानीय संस्कृति और परंपरा के बारे में भी बताती है। मेरा नाम गौरांग सोलंकी है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं अपनी स्पीति ट्रिप पे निकला था। मैं किन्नौर में जब एंटर किया तो किन्नौर का पहला गाँव आता है चौरा, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत करने के लिए एक स्टॉल लगा के यहाँ पर बैठे हैं तो उनसे जानने का मौका मिला उनकी कल्चर एक्टिविटी, उनका कल्चर जो पहनावा होता है ट्रेडिशन, उनके जो ऑर्नामेंट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले भी की हुई है ताकि लोगों को देखकर पता चल सके कि कैसा इनका ट्रेडिशन है, उनकी संस्कृति कैसी है। तो बस वही सब चीज़ें जानने का मौका मिला और उसके लिए मैं आभारी हूँ इन सब महिलाओं का। स्वयं सहायता समूह की नितिका ने बताया कि चौरा किन्नौर का पहला गांव है और जो पीछे प्राकृतिक सुरंग है यहां पर लाल सिंह चड्ढा हाईवे मूवी की शूटिंग हुई है। यहां पर टूरिस्ट किन्नौर के लिए जाते हैं तो रुकते हैं और फोटो शूट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि यहां पर एक स्टॉल खोला जाए जिससे हमारी आमदनी होगी। मेरा नाम नितिका है, मैं ठौर स्वयं सहायता समूह चौरा से बिलोंग करती हूँ। ये गांव जो है किन्नौर का पहला गांव है और जो मेरे पीछे ढांक दिख रहा है ये यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा और हाईवे मूवी की शूटिंग हुई है और यहाँ पे जो जितने भी टूरिस्ट किन्नौर आते हैं सबसे पहले इसी जगह पे रुकते हैं। ये टूरिज्म प्लेस जैसा हो गया है यहाँ पे जब से मूवी की शूटिंग हुई है और इस वजह से हमने यहाँ पर एक स्टॉल खोला है महिलाओं ने, जिसमें हम अपने किन्नौरी कल्चर्स के बारे में बताते हैं और किन्नौरी पकवान के बारे में बता रहे हैं। उसमें हमारे जो किन्नौर में जितने भी पकवान बनाते हैं उसमें मेडिसिन का काम कैसे करता है वो हमारा वो बता रहे हैं इन लोगों को, जिससे लोग बहुत खुश है, यहाँ पे रुकते हैं काफ़ी लोग। स्वयं सहायता समूह की कल्पना ने बताया कि समूह की महिलाओं ने निर्णय लिया कि ये स्थान स्थानीय पकवानों और संस्कृति के प्रसार प्रचार के लिए सही है, इसीलिए स्थानीय व्यंजनों को परोसना शुरू किया। हम यहाँ पे किन्नौर के पहले गांव से हैं और हमने यहाँ पे आजकल एक स्टॉल लगाया है। ये हम स्टॉल यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे चौरा से थोड़ा सा आगे आके ये है, यहाँ पे छोटे टनल के साथ ये प्राकृतिक तौर से बना हुआ टनल है और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है और अभी हाल ही में एक वीडियो शूट भी हुआ है पंजाबी सॉन्ग का। और यहाँ पे हमारा ये स्टॉल खोलने का मकसद यही था, एक तो आजीविका के लिए और यहाँ की जितनी भी लेडीज़ है, एक दिन अचानक ऐसे ही किसी के दिमाग में आया कि यहाँ पे स्टॉल खोलते हैं ताकि टूरिस्टों के भी खान पान का हो और यहाँ पे जितना भी हम प्रमोट करते लोकल फूड जो होता है हमारे, जैसे कोदे का चिल्टा हो गया या फिर चुल्ली का तेल हो गया, लोकल घी हो गया
और ब्राश का जूस हो गया, हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और यहाँ पे आके वही चीज़ें सेल करते हैं हम। वहीं स्वयं सहायता समूह की कविता ने कुछ किन्नौरी पकवानों की जानकारी देते हुए बताया कि बुरांश की चटनी, चौलाई की खीर, कोदे के आटे के चिलड़ू लोकल मक्खन के साथ देते हैं। इसके अलावा बुरांश के फूलों का जूस भी बेचते हैं। मेरा नाम किरण स्योगी है और मैं चौरा गांव की रहने वाली हूँ। स्वयं सहायता समूह ठौर की सारी महिलाएं तहे दिल से यहाँ पर दिल लगा कर काम करती है और अपने लोकल अनाज जैसे कि कोदे का चिल्टा, तुलसी के खीर, मोमोज, सिड्डू, चटनी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती है, नमकीन चाय, मीठा चाय और साथ में हमारे लोक साथ ही हमारे ड्रेस किन्नौरी कल्चर ड्रेस वगैरह रखा है जिससे टूरिस्ट आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, उनको पहनाते हैं। उनसे क्या होता है कि अपना वो लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं और हम अपनी आजीविका को आगे बढ़ाते हैं।